आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसे इंडियन आउटफिट्स जो बेसिकली आप सर्दी और गर्मी दोनों सीजन में पहन सकते हो। तो कौन से आउटफिट्स हैं ये, कैसे आपके इन डिजाइन्स में आप इनको बना सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो याद से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो कि हमारे चैनल द क्रिएटिव एडिक्ट पे हमने अपलोड की है, जिसमें हमने आपको बनानी सिखाई है नो सीव बेल्ट, यानी कि आपको बिना सिलाई के बेल्ट कैसे आप बना सकते हैं, उसके बारे में वो वीडियो। आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आप चाहे जहां जहां हमने उसमें ग्लू यूज किया है, आप सुई यूज कर सकते हैं, मशीन की सिलाई से सेम टेक्निक से बना सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको सिलाई करना नहीं आता। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनको सिलाई करना नहीं आता, इजी तरीके से आप बनाना चाहते हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक और हमारे इस DIY चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे हम जिस फैब्रिक की बात करने वाले हैं वो है हैंडलूम कॉटन। हैंडलूम कॉटन एक ऐसा फैब्रिक है जो आप गर्मी सर्दी दोनों सीजन में पहन सकते हो, बिकॉज ये हल्का सा थिक होता है। अब आप सोचोगे कि गर्मियों में नहीं पहन सकते जिस टाइप की थिकनेस होती है इस फैब्रिक की, लेट मी टेल यू, आप इसे सर्दियों में बनवाइए, यानी कि इस सीजन में, प्री विंटर का जो सीजन है ना, इसमें आप इसे बनवा लीजिए, सो दैट समर आते आते उस फैब्रिक की जो सॉफ्टनेस है, उसकी जो थिकनेस है, उसमें फर्क पड़ जाता है और वो सूटेबल हो जाता है समर्स के लिए भी। दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली करती हूँ, बिकॉज मुझे हैंडलूम कॉटन बहुत पसंद है। सो फॉर दैट रीजन मैं विंटर्स में ये कुर्ताज बनवाती हूँ, एंड थ्रू आउट द ईयर यू नो, जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, सीजन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है। हाँ, जब पूरी गर्मी होती है तो उस टाइम पे आप डेफिनेटली इसको नहीं पहन पाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे तो आप शियर कॉटन जॉर्जेट भी पहनेंगे ना, उसमें भी गर्मी लगती है, तब आप इसे नहीं पहन पाएंगे। वो छोटा सा टाइम पीरियड होता है जब आप इसे नहीं पहन पाते, अदरवाइज अगर एयर कंडीशन रूम्स में हो तब तो इजिली आप उस सीजन में भी पहन सकते हो। और जब फुल सर्दी हो जाएगी तो आप इसे ब्लेजर्स और वार्मर्स के साथ पहन सकते हो, ये परफेक्ट रहेगा आपके लिए। एक और चीज होती है, बहुत से लोग जो हैं वो वार्मर्स को लेके कंफर्टेबल नहीं होते, उनको स्किन इरिटेशन हो जाती है, इचिंग हो जाती है, या फिर जो वुलन फैब्रिक्स हैं, अगर आप वुलन कुर्ता पहनते हो उसके साथ भी सेम ही इशू होता है आपको, कि आपको इचनेस या स्किन इरिटेशन हो जाती है। सो इन दिस केस आप इन कुर्ताज के साथ जा सकते हैं कि सबसे नीचे का जो लेयर है आप इस कुर्ता को पहनिए, उसके ऊपर आप अपने वुलन कार्डिगन्स पहनिए, लॉन्ग लाइन स्वेटर्स होते हैं वो पहन सकते हैं। सो यू नो, इन ओवरऑल इस सीजन के लिए परफेक्ट फैब्रिक है ये आपके लिए। एंड यहाँ पे हम जो भी स्टाइल्स की बात करने वाले हैं ना, उसमें बॉडी हगिंग स्टाइल कोई भी नहीं है, बिकॉज हैंडलूम कॉटन जो है इसको अगर आप बिल्कुल बॉडी हगिंग बना लेंगे विद ऑल द यू नो फिट्स, जो आपको एकदम टाइटली हग कर रहा है आपके बॉटम में भी, आपके अपर में भी, तो ये फैब्रिक खराब हो जाता है। यू नो, खिंचाव की वजह से इस फैब्रिक में खिंचाव सहने वाली स्ट्रेंथ नहीं है, अदरवाइज काफी ड्यूरेबल फैब्रिक है ये। ऐसा नहीं है कि ड्यूरेबिलिटी नहीं है इसमें, फट जाएगा बिल्कुल भी नहीं, काफी थिकनेस में होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है इसमें, लेकिन जब वो सीम्स के साथ खिंचता है ना, तो उसके बीच के जो वॉप एंड वेफ्ट है, उसके जो धागे हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाते हैं और वो फटना शुरू हो जाता है। सो हमने पैटर्न्स आपके लिए ऐसे यहाँ पे चुने हैं जो विंटर्स के लिए परफेक्ट हैं, फैब्रिक की क्वालिटी को बनाए रखेंगे और स्टाइल के हिसाब से भी अच्छे हैं। सबसे पहले है प्लीटेड कुर्ता विद अ फ्लेयर्ड पैंट। अब यहाँ पे हम फ्लेयर्ड पैंट की बात क्यों कर रहे हैं, फ्लेयर्ड पैंट जो है ना ये आपको काफी हेल्प करेगी विंटर्स में, क्योंकि इसके नीचे वार्मर्स या लेग वार्मर्स जो है उनको इजिली पहन पाएंगे, काफी स्कोप रहेगा अगर आप फुली फ्लेयर्ड पैंट्स बनवाते हैं। प्लीटेड कुर्ताज हमने यहाँ पे क्यों लिए, प्लीट्स जो है ना, सबसे पहली बात हैंडलूम कॉटन में प्लीट्स बहुत ब्यूटीफुली आएंगे, दूसरी बात ये कि अगर आप कलियों में फ्लेयर क्रिएट करते हैं तो मे बी उसके साथ यू नो कलीदार जो कुर्ताज होते हैं वो थोड़े से डाइसी हो जाता है आपके लिए, कि आप विद स्कार्फ लें या विदाउट स्कार्फ लें, सर्टेन जो पैटर्न्स हैं वो विद स्कार्फ अच्छे लगते हैं, दुपट्टा अच्छे लगते हैं, कुछ हैं जो विदाउट इसके भी चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लीटेड बनाते हैं तो इसे सूट कैटेगरी से बाहर ले आता है, तो आप इसे बिना स्कार्फ या बिना दुपट्टा के भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न, बेसिकली एक स्ट्रेट कुर्ता है जिसकी वेस्ट लाइन पे कलीज इंसर्ट की है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि यूजुअली स्ट्रेट कुर्ता की तरह ही ये पैटर्न बनाया जाता है, लेकिन कमर के पास आके इसमें दो या तीन कलियां इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक फ्लेयरी पार्ट क्रिएट हो जाता है, और वहां पे जहाँ पे कली इंसर्ट की है उस सीम लाइन के ऊपर आप डिफरेंट कलर का बैंड लगा सकते हैं, सो दैट वो हाईलाइट हो जाए। सो यू नो, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, और आप हैंडलूम कुर्ताज में इसे इजिली बना सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो बैंड है इसे ब्राइट कलर में रखिएगा, बिकॉज यूजली जो हैंडलूम है वो ब्राइट कलर्स में कम ही मिल पाता है, सो दैट उसमें एक पॉप ऑफ कलर एड हो जाए
आप इन बैंड्स को ब्राइट कलर्स में ही प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट है अंगरखा विद अ फारसी बैंड। अंगरखा एक ऐसा क्लासिक है जिसे आप इस सीजन में इजीली पहन सकते हो, बिकॉज अंगरखा में दो लेयर्स आ जाएंगी तो ये एक्स्ट्रा वार्म्थ ऐड हो जाएगी आपके आउटफिट में। तो दो लेयर आपके हैंडलूम फैब्रिक की आ जाएगी, यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, ऊपर से ओवरलैप करती है, तो ये रैप अराउंड जैसा जो इफेक्ट रहता है अंगरखा का वो परफेक्ट है सीजन के लिए। एंड ऑल्सो जिनको वर्क वेयर के लिए डिफरेंट स्टाइल्स चाहिए वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अंगरखा के साथ। एंड फारसी पैंट क्या है, बेसिकली एक ट्रेंडिंग वर्ड है ये इस टाइम पे, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ट्रेंड कर रही है। फारसी पैंट बेसिकली, फारसी पैंट्स जो है ये प्लाजोज ही है आपके, ए लाइन नहीं है, पेंसिल फिट नहीं है, प्लाजो स्ट्रेट प्लाजो का लुक आता है, यानी कि आपका थाई का मेजरमेंट जितना होगा ना उतना ही स्ट्रेट नीचे आता है वो। तो वो जनरली समर्स में प्लाजोज करके सेल हो रहे थे या ट्राउजर्स करके सेल हो रहे थे, बट अब फारसी पैंट्स या फारसी ट्राउजर्स करके ये चीज ट्रेंडिंग हो रही है, तो आप इनको पेयरअप कर सकते हैं अपने अंगरखास के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है आप बॉर्डर्स के साथ भी क्रिएटिव हो सकते हैं। यूजुअली आपको हैंडलूम कुर्ताज या तो प्लेन मिलते हैं, नीचे उनके बॉर्डर्स रहते हैं, वोवन बॉर्डर्स होंगे, तो इन बॉर्डर्स के साथ आप क्रिएटिव हो सकते हैं, पार्शियल कुर्ताज बना सकते हैं। बॉर्डर्स को साथ में जोड़ जोड़ के ज्वाइन कर करके पूरा पैनल बना लीजिए आप, और आपके कुर्ता की आधी साइड आप उसे यूज कर सकते हैं। इसका स्लिमिंग इफेक्ट भी है, अगर आप स्लिमिंग का इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बॉडी फ्रेम को नैरो दिखाना चाहते हैं, तब भी ये जो आइडिया है आपके लिए काफी वर्क करेगा। सो हैंडलूम कुर्ताज में बहुत से लोग उसको प्रेफर इसलिए नहीं करते बिकॉज वो कलर्स उनके काफी सटल या सब्ड्यूड रहते हैं, उनमें ज्यादा पैटर्न्स आपको नहीं मिल पाते, यूजुअली प्लेन होते हैं विद थिन बॉर्डर समटाइम्स। सो आपको क्रिएटिव होना होगा जो भी चीज उसमें अवेलेबल है, तो आप बॉर्डर्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल लेयर्ड कुर्ताज, यानी कि कुर्ती और उसके ऊपर से जो जैकेट पहनी जाती है, फ्लेयरी जैकेट हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। बेसिकली ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। आप इस सीजन में अंगरखा का जो स्टाइल है वो डबल लेयर आपको डेफिनेटली देता है, लेकिन आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो मे बी समर्स के टाइम पे वो इतना ज्यादा वेरेबल नहीं रहेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जैकेट और इनर जो कुर्ता है आपका, इसको आप सेपरेटली भी पहन पाएंगे, आप जैकेट को फर्दर समर्स में एज अ श्रग भी यूज कर पाएंगे। सो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो अंगरखा आप विंटर्स तक रिजर्व रख सकते हैं, और ये जो डबल लेयर्ड है ये आपका थ्रू आउट द ईयर चल सकता है इजीली। सिंपल है, जैसे समर्स में आपने देखा ही था कुर्ता के ऊपर जैकेट रहता है, फ्लेयरी आप इसे बनाइए। फ्लेयरी जो आउटफिट्स है ना, ये एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, आपकी प्रेजेंस को शो करते हैं, तो जब भी आप अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहें, आपको एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए अपने में, तो आपने ऐसे कपड़े जरूर पहनिए जिनमें फ्लेयर हो, वॉल्यूम हो, बिकॉज वो जो चीज है, कोई भी चीज जो एक रूम कंज्यूम करती है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत रहता है। सो यू कैन ट्राई कि आप फ्लेयरी कुर्ता इसमें बनाएं, इसके फायदे बहुत है आपके लिए। एक तो फैब्रिक के हिसाब से फ्लेयरी बेस्ट है आपके लिए, सेकेंडली इनर्स आप इजिली पहन सकते हैं क्योंकि वो लूज फिट होगा, फ्लेयरी होगा, थर्ड कि उससे आपकी एक इमेज क्रिएट होती है, आपकी एक डोमिनेंस क्रिएट होती है, आप अंदर से कॉन्फिडेंट डेफिनेटली फील करेंगे। फ्लेयरी जो है ये आपको एक रूम कंज्यूम करने में काफी हेल्प करेगा, सो यू कैन ट्राई फ्लेयरी आउटफिट्स इस सीजन में, और इसमें प्लस साइज या पेटीट साइज, इन सब चीजें, ये सब चीजें मायने नहीं रखती। प्लस साइज भी फ्लेयरी आउटफिट्स पहन सकते हैं, पेटीट साइज भी पहन सकते हैं। इनफैक्ट हमने बॉडी टाइप्स पे वीडियोस भी बनाई, आप उनको जाके देखिए और पिक कीजिए कि आपको किस टाइप के फ्लेयरी चीजें बताई गई हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो आप इजिली इन स्टाइल्स को कैरी कर पाएंगे। नेक्स्ट है हैंडकरचीफ हेम्स, उन लोगों के लिए जिनको ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, इनफैक्ट आपको लॉन्ग ड्रेसेस बहुत पसंद है, आप विंटर्स में भी उनको पहनना कंटिन्यू कर सकते हैं, आप हैंडकरचीफ हेम्स ट्राई कर सकते हैं। हैंडकरचीफ हेम बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक हैंडकरचीफ है उसको सेंटर से उठाएंगे तो जिस तरीके से उसके कॉर्नर्स फॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से इस ड्रेस का जो हेम लाइन है, यानी कि नीचे से जो कट है वो दिखता है, तो हैंडकरचीफ हेम्स आर परफेक्ट फॉर यू। इवन प्लस साइज वुमेन भी इसको ट्राई कर सकती हैं, फ्लेयरी है, लूज फिट है, अंदर जितने मर्जी आप इनर्स पहनिए, वार्म्थ के लिए आपको जितनी मर्जी रिक्वायरमेंट आप वो पहन सकते हैं, और आप इन्हें बूट्स के साथ पेयर अप कर सकते हैं, इट विल लुक परफेक्ट, और एक थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है मल्टी कलर चेक्स, बेसिकली स्टाइल से ज्यादा फैब्रिक के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। विंटर के कपड़ों में ना कलर की काफी कमी रहती है, देयर इज अ लैक ऑफ कलर, जबकि वाइब्रेंट कलर्स आने चाहिए विंटर में। सो अगर आपको ऐसे चेक्स कहीं मिलते हैं, मैंने एक सिमिलर फैब्रिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, आई टोकरी वेबसाइट है,
पर्सनली मुझे हैंडलूम्स के लिए आई टोकरी बहुत अच्छा लगता है. आई टोकरी एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, मैं अपने हैंडलूम्स उनसे ही लेती हूँ. सो यू कैन ट्राई, आप उनको विजिट कर सकते हैं. किसी चीज का आपको डाउट है तो उनसे इंक्वायर कर सकते हैं. सिमिलर फैब्रिक मुझे उनकी वेबसाइट पे मिला है, अगर आपको खरीदना है वहां से जाके खरीद सकते हैं. स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा है इसलिए आपको बता रही हूँ. तो ये जो फैब्रिक्स इस वीडियो में हमने दिखाए भी हैं, इकत है या हैंडलूम है, प्लेन कॉटन हैंडलूम्स है आपके, इस तरीके के चेक्स हैं, सब आई टोकरी के पास अवेलेबल हैं. कुछ चीजों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. सो ऐसे मल्टी कलर चेक्स में आप फ्लेयरी कुर्ताज बनवाइए, ए लाइन कुर्ताज बनवाइए, जैकेट्स बनवाइए, शॉर्ट जैकेट, लॉन्ग जैकेट, हर चीज अच्छी लगने वाली है बिकॉज इसके जो कलर्स हैं ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है. लास्ट है, बहुत से लोग जो है वो विंटर फैब्रिक्स में जो पैटर्न्स आते हैं यू नो, या तो वो सबड्यूड कलर्स में है या फिर उनमें जो पैटर्न्स हैं उनमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स रहते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नहीं होते ज्यादा. सो बहुत से लोग उस चीज से बोर फील करते हैं. आपका जो भी हैंडलूम का कुर्ता है उस पे ब्राइट वाइब्रेंट कलर में आप पैचेस ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी, ऑन योर शोल्डर्स, ऑन योर फ्रंट, नीचे फ्लेयर पे, स्लीव्स पे, कहीं पे भी ये वाइब्रेंट थ्रेड जो पैचेस हैं आपको इजिली मिल जाएंगे. ऐसी शॉप से जहां से आपको बटन्स मिलते हैं, यू नो, स्विंग का सामान मिलता है, लेसेस मिलती है, वहां पे आपको ऐसे पैचेस इजीली मिल जाएंगे. अगर आप चाहें, थोड़ा खर्चा करना चाहते हो, तो आप एम्ब्रॉयडरी भी करवा सकते हैं. दीज पैटर्न्स आर ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज एक वाइब्रेंट कलर ऐड कर देते हैं, थोड़े से यू नो कर्व्स ऐड कर देते हैं आपके डिजाइन में, बिकॉज काफी स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है. तो फ्लोरल पैटर्न्स अगर आप लेते हैं तो थोड़े स्मूथ कर्व्स ऐड हो जाते हैं उसमें. सो यू नो, ट्राई विद दीज फैब्रिक्स इस सीजन में, ट्रस्ट मी आपको बहुत पसंद आने वाला है ये कपड़ा. अभी आपने मुझे देखा होगा समर की वीडियोस में भी, मेरे दो तीन एकत कुर्ताज हैं जिनको मैं पहनती हूँ, बिकॉज वो विंटर्स में पहनने के बाद ना तब तक वो सूटेबल हो जाते हैं समर्स के लिए. सो आप ट्राई कर सकते हैं. वेबसाइट, फैब्रिक्स, सब चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज गो एंड चेक इट आउट. एंड आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो याद से हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.